नमस्कार दोस्तों, एग्री हिंदुस्तान चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ने हमारे इंस्टाग्राम पेज पर कमेंट किया था कि सर ट्रेजर्स ऑफ फ्रूट साइंस बुक का वीडियो अपलोड किया जाए, तो हमने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है और एक मॉडल पेपर को हमने अपलोड भी कर दिया है। आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर 3 के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, द चॉइसेस्ट फ्रूट ऑफ हिंदुस्तान इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैंगो। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन आउटस्टैंडिंग सोर्स ऑफ विटामिन ए, इसका भी राइट आंसर होगा मैंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्री ऑफ पैराडाइज इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लकी बाग वाज इस्टेब्लिश्ड एट, तो इसका राइट आंसर होगा दरभंगा बिहार। द मेजर एसिड प्रेजेंट इन मैंगो इज, राइट आंसर हो जाएगा सिट्रिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग मैंगो वैरायटी इज द मदर ऑफ ऑल द फ्लोरिडन कलर्ड वैरायटीज, इसका राइट आंसर हो जाएगा मलगुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द नेम मैंजीफेरा वॉज गिवन बाय, इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉन्टियस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मलगुआ वैरायटी ऑफ मैंगो वाज इंट्रोड्यूस्ड टू फ्लोरिडा फ्रॉम इंडिया इन, तो ये किस ईयर में आई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1889। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पॉलीएम्ब्रियोनिक वैरायटी ऑफ मैंगो, तो बप्पाकाई, चंद्रकरण और सलीम, ये सारे पॉलीएम्ब्रियोनिक वैरायटी है मैंगो के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंगो वैरायटी मोस्ट सुटेबल फॉर एक्सपोर्ट इज, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अल्फांसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंगो इज ए नेटिव टू, मैंगो जो है इंडो बर्मा रीजन के क्षेत्र में नेटिव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दशहरी एन आउटस्टैंडिंग वैरायटी ऑफ नॉर्थ इंडिया इज क्लासिफाइड एज, तो इसको कैसे क्लासिफाइड किया गया, कौन सी वैरायटी के लिस्ट में आता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिड सीजन वैरायटी है। नेक्स्ट है, अंबिका इज ए हाइब्रिड ऑफ, अंबिका जो है आम्रपाली इंटू जनार्दन पसंद के क्रॉस से बनाई गई है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्वीटेस्ट वैरायटी ऑफ मैंगो, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौसा। चौसा को हम स्वीटेस्ट वैरायटी ऑफ मैंगो मानते हैं। नेक्स्ट है, आइडियल वेट ऑफ अल्फांसो मैंगो फॉर एक्सपोर्ट इज, तो जो अल्फांसो मैंगो है एक्सपोर्ट करने के लिए उसका आइडियल वेट कितना होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 से 250 ग्राम होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडियल टेम्परेचर फॉर रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल मैंगो कल्टीवेशन लाइज बिटवीन, तो आइडियल कल्टीवेशन के लिए आइडियल टेम्परेचर क्या है मैंगो के कल्टीवेशन के लिए, 16 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 22 से 27 डिग्री सेल्सियस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंगो कल्टीवेशन शुड बी अवॉइडेड इन, मैंगो का कल्टीवेशन हम किस सॉइल में नहीं कर सकते हैं या वहाँ पे नहीं करनी चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंगो इज कॉमर्शियली प्रोपेगेटेड बाय, इसका राइट आंसर हो जाएगा वीनियर ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट है, केसर मैंगो इज कॉमर्शियली ग्रोन इन, तो जो केसर मैंगो है वो कॉमर्शियली गुजरात में ग्रो किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 20, क्वेश्चन नंबर 20, नियोफाइसिस अ फेनोमेनन वेयर द ग्रोथ ऑफ न्यूसेलस एम्ब्रियो सरप्रेस द ग्रोथ ऑफ जाइगोटिक एम्ब्रियो, मतलब ऐसी कंडीशन जहाँ पे न्यूसेलस एम्ब्रियो के ग्रोथ होने से जो जाइगोटिक एम्ब्रियो है उसके ग्रोथ को सप्रेस कर देता है, तो ये नियोफाइसिस किसमें अब्सेंट होता है ये पूछा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पीको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग मैंगो वैरायटी हैज़ लेटरल इनफ्लोरसेंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा फजली। फजली जो मैंगो की वैरायटी है उसमें लेटरल इनफ्लोरसेंस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लावरिंग पीरियड ऑफ मैंगो इज, तो मैंगो का जो फ्लावरिंग पीरियड होता है वो कितना होता है, 2 से 3 वीक होता है। नेक्स्ट है, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो अकर्स ड्यू टू द डेफिशियंसी ऑफ, जो ब्लैक टिप होता है मैंगो का वो बोरान की डिफिशियंसी से होता है। लिप स्कॉर्चिंग ऑफ मैंगो इज ड्यू टू, तो ये किसके टॉक्सिसिटी से होता है,
इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी क्लोरीन टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट है द डेवलपमेंट ऑफ ए सोर एंड नॉन ईटेबल पैच इन द मेसोकार्प ऑफ मैंगो फ्रूट इज नोन एज, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पॉन्जी टिश्यू, ये जो कि अल्फांसो वैरायटी जो होती है मैंगो की उसमें सबसे ज़्यादा लगती है। नेक्स्ट है मैंगो एंथ्रैक्नोस कैन बी कंट्रोल बाय हॉट वाटर ट्रीटमेंट एट, तो जो हॉट वाटर ट्रीटमेंट होता है मैंगो एंथ्रैक्नोस कंट्रोल करने का, वो उसका टेम्परेचर कितना होता है, तो जनरली 48+2 या ऐसे करके होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 50+-2, यानी 52 डिग्री सेल्सियस या 48 डिग्री सेल्सियस इन्हीं के बीच में रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंगो इज़ अवेलेबल इन इंडिया फ्रॉम, तो इंडिया में जो मैंगो है वो कब से कब तक अवेलेबल रहता है, मार्च से लेकर अगस्त मंथ तक लगभग रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बेबी फ्रूट, राइट आंसर हो जाएगा बनाना, बनाना को हम बेबी फ्रूट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है ICMR रिकमेंडेड फ्रूट पर कैपिटा पर डे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 ग्राम फ्रूट पर कैपिटा पर डे। नेक्स्ट है प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड बनाना इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया, जो बनाना का प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो मलेशिया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइबर यील्डिंग स्पीसीज ऑफ बनाना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूसा बासजू। रसथली द चॉइसेस्ट टेबल कल्टीवर ऑफ बनाना इज मोस्टली ग्रोन इन, तो रसथली जो है ये कहाँ पर ग्रो की जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बनाना वैरायटी सुटेबल फॉर चिप्स मेकिंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेंद्रन वैरायटी जो है वो चिप्स मेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है विच बनाना वैरायटी इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बेबी फूड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुन्नन जो है बेबी फूड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है बनाना की वैरायटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 35 पूछा गया जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सफ़ेद वेलची बनाना इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन दैट इज ए बी, ये जो ए बी ग्रुप जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सफ़ेद वेलची बनाना का है। नेक्स्ट है चोक थ्रॉट ऑफ बनाना अकर्स व्हेन द टेम्परेचर फॉल बिलो, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस, यानी 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आने पर चोक थ्रॉट होता है बनाना में। नेक्स्ट है बनाना फ्रूट्स डिराइव्ड फ्रॉम, इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्फीरियर ओवरी, जो बनाना फ्रूट है वो इन्फीरियर ओवरी से डिराइव्ड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू डिजीज ऑफ बनाना इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से ब्लू डिजीज होता है बनाना में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है बंची टॉप ऑफ बनाना इज ट्रांसमिटेड बाय, तो जो बनाना का बंची टॉप होता है वो एफिड के थ्रू ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरे जगह पर। नेक्स्ट है सीगा टोका लीफ स्पॉट इज ए मेजर प्रॉब्लम इन, तो जो सीगा टोका लीफ स्पॉट है यह मेजर प्रॉब्लम किस फ्रूट में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनाना, क्योंकि यह सीगा टोका जो लीफ स्पॉट होता है बनाना में ही लगता है। नेक्स्ट है मोको डिजीज ऑफ बनाना इज कास्ट बाय, तो मोको डिजीज जो है बनाना का वो बैक्टीरियल होता है। नेक्स्ट है ड्वार्फ बनाना आर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ प्लांटिंग, लगभग 11 से 14 मंथ के बाद जो बनाना है प्लांटिंग के बाद वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेड कलर ऑफ पपाया फ्लैश इज ड्यू टू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइकोपिन, रेड कलर जो होता है पपाया का वो लाइकोपिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पपाया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन, तो पपाया इंडिया में कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 16th century। नेक्स्ट है पपाया इज ए नेटिव ऑफ, पपाया इज नेटिव ऑफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको, क्योंकि ये मैक्सिको में नेटिव हुआ था। रेड लेडी इज ए पॉपुलर वैरायटी ऑफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पपाया। नेक्स्ट है अर्का सूर्या इज ए हाइब्रिड ऑफ, अर्का सूर्या जो है सनराइज सोलो और पिंक फ्लैश स्वीट इन दोनों के क्रॉस से बनाया गया है, सनराइज सोलो और पिंक फ्लैश स्वीट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्का प्रभात इज ए क्रॉस बिटवीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्या इंटू ताइचुंग वन इंटू लोकल ड्वार्फ, ये तीनों के क्रॉस से बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है वायबिलिटी ऑफ पपाया सीड इज, तो जो पपाया सीड होता है इसकी वायबिलिटी लगभग 3 मंथ तक होती है, ये राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है द मेजर लिमिटिंग फैक्टर इन पपाया कल्टीवेशन इन नॉर्थ इंडिया इज, तो स्ट्रॉन्ग विंड्स, फ्रॉस्ट, वाटर लॉगिंग, ये सभी हैं जो पपाया कल्टीवेशन में बहुत बाधा उत्पन्न करती हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है बेस्ट टिश्यू फॉर न्यूट्रिएंट एनालिसिस इन पपाया, इसका राइट आंसर हो जाएगा पेटियोल। नेक्स्ट है बंची टॉप ऑफ पपाया इज कॉस्ड बाय, तो पपाया का जो बंची टॉप होता है वो माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स के कारण होता है। नेक्स्ट है हाउ मेनी डेज ओल्ड पपाया फ्रूट इज सेलेक्टेड फॉर टैपिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज 90 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। 54 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेमेटोड रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ पपाया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूसा मैजेस्टी। जो पूसा मैजेस्टी वैरायटी है वो नेमेटोड रेजिस्टेंट वैरायटी है पपाया की। नेक्स्ट है स्किन फ्रिकलिंग ऑफ पपाया अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम डेफिशिएंसी। नेक्स्ट है बम्पी स्किन इन पपाया फ्रूट इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरॉन डेफिशिएंसी। नेक्स्ट है मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ पपाया इन इंडिया इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिंग स्पॉट। रिंग स्पॉट जो है पपाया की सीरियस डिजीज है इंडिया में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। इसमें पूछा गया है ट्रांसजेनिक पपाया आर कमर्शियलाइज्ड इन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवाई, हवाई द्वीप। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पुअर मैंस एप्पल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वावा। ग्वावा को पुअर मैंस एप्पल भी कहा जाता है। ग्वावा इज ए रिच सोर्स ऑफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेक्टिन। ग्वावा रिच सोर्स है पेक्टिन का। नेक्स्ट है पंजाब पिंक इज ए वैरायटी ऑफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वावा। पंजाब पिंक जो है ग्वावा की वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट सुटेबल वैरायटी ऑफ ग्वावा फॉर कैनिंग इज, तो ग्वावा की कौन सी वैरायटी है जो कैनिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है और सबसे बढ़िया होती है, तो वो होगा L42। कौन सी? L42। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा है स्टूलिंग इन ग्वावा वाज स्टैंडर्डाइज्ड बाय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मजूमदार एंड मुखर्जी, इन्होंने ही स्टूलिंग को स्टैंडर्डाइज किया था ग्वावा के लिए। नेक्स्ट है मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ ग्वावा इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वावा विल्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गोल्डन क्वीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइनएप्पल। पाइनएप्पल को गोल्डन क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। पाइनएप्पल बिलोंग्स टू द फैमिली, पाइनएप्पल की फैमिली कौन सी है? ब्रोमेलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द पाइनएप्पल वैरायटी हैज एल्कोहलिक फ्लेवर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलधूप। जो जलधूप वैरायटी है पाइनएप्पल की उसमें एल्कोहलिक फ्लेवर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइनएप्पल इज कमर्शियली प्रोपेगेटेड बाय, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछता है, तो पाइनएप्पल जो है सकर्स के द्वारा प्रोपेगेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल टेक प्लेस इन, जो फ्लावरिंग होता है पाइनएप्पल में वो कितने महीने के बाद होने लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 to 12 months आफ्टर प्लांटिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइनएप्पल फ्रूट इज बॉटेनिकली, तो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोरोसिस।
क्या है? सोरोसिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैक हार्ट इन पाइनएप्पल इज ड्यू टू, तो पाइनएप्पल में जो ब्लैक हार्ट डिजीज होती है वो किसके कारण होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लो टेम्परेचर। नेक्स्ट है विच एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज एलिगेटर पियर? इसका राइट आंसर हो जाएगा एवोकैडो। एवोकैडो को एलिगेटर पियर के नाम से जाना जाता है। एवोकैडो पर्सिया अमेरिकाना इज ए मेंबर ऑफ फैमिली। एवोकैडो किस फैमिली से बिलोंग करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवोकैडो रेस हैविंग हाईएस्ट ऑयल कंटेंट इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिकन रेस जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा ऑयल कंटेंट पाया जाता है एवोकैडो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रेजिस्टेंट टू सलाइनिटी एमंग ऑल रेसेस ऑफ एवोकैडो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन दैट इज वेस्ट इंडियन। कौन सा? वेस्ट इंडियन। नेक्स्ट है फ्यूरेट ए मोस्ट पॉपुलर कल्टीवार ऑफ एवोकैडो बिलोंग्स टू, किस ग्रुप से बिलोंग करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ग्रुप। नेक्स्ट है ड्राई नेक इज ए डिसऑर्डर ऑफ, तो ड्राई नेक किसका डिसऑर्डर है? राइट आंसर हो जाएगा एवोकैडो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रिक्टली ट्रॉपिकल फ्रूट? इसका राइट आंसर हो जाएगा रामबुतान। रामबुतान जो है स्ट्रिक्टली ट्रॉपिकल फ्रूट होता है। द सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ एनोना इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2n=14। कितना हो जाएगा? 14। और बेसिक क्रोमोसोम नंबर अगर पूछ दिया तो x=7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। इसमें पूछा गया है ऑल एनोनेसियस फ्रूट्स आर इंडिजिनस टू, जो ऑल एनोनेसियस फ्रूट्स होते हैं वो इंडिजिनस हैं कहाँ के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल अमेरिका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज बेस्ट फ्रूट्स एमंग द ऑल द एनोना? इसका राइट आंसर हो जाएगा एनोना चेरी मोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एनोना? इसका राइट आंसर हो जाएगा एनोना म्यूरीकेटा। नेक्स्ट है ट्रॉपिक सन इज ए वैरायटी ऑफ, तो जो ट्रॉपिक सन है वो किसकी वैरायटी है? इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कस्टर्ड एप्पल। जो ट्रॉपिक सन है वो कस्टर्ड एप्पल की वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक सपोता बिलोंग्स टू द फैमिली? इसका राइट आंसर हो जाएगा एबिनेसी। जो ब्लैक सपोता है वो एबिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोता इज नेटिव टू, सपोता कहाँ का नेटिव फ्रूट है? राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। इसमें पूछा गया है सपोता इज कमर्शियली प्रोपेगेटेड बाय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनार्चिंग। सपोता में कमर्शियल प्रोपेगेटेड मेथड क्या है? इनार्चिंग है। नेक्स्ट है फ्लैटनिंग ऑफ ब्रांचेस इन सपोता इज कॉज्ड बाय, इसका राइट आंसर हो जाएगा फंगस। नेक्स्ट है क्रिकेट बॉल इज ए वैरायटी ऑफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सपोता। क्रिकेट बॉल जो है सपोता की वैरायटी है। नेक्स्ट है बेस्ट रूट स्टॉक फॉर सपोता इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा खिरनी। सपोता के लिए बेस्ट रूट स्टॉक कौन सा है? खिरनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है PKM3 ए सपोता हाइब्रिड इज ए क्रॉस बिटवीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुथी इंटू क्रिकेट बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है CO1 सपोता इज ए हाइब्रिड ऑफ, CO1 सपोता जो है वो किसका किसका हाइब्रिड यानी किसका किसका क्रॉस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट बॉल इंटू ओवल, क्रिकेट बॉल इंटू ओवल। नेक्स्ट है द सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ पैशन फ्रूट इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2n=18। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है कावेरी पर्पल इंटू येलो इज ए हाइब्रिड वैरायटी ऑफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा पैराडाइज
पैशन फ्रूट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कल्टिवेटेड फ्रूट इन द वर्ल्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा जैक फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैक फ्रूट इज इंडिजिनस टू इंडिया, जैक फ्रूट कहाँ पे, कहाँ का नेटिव फ्रूट है, इंडिया का। नेक्स्ट है, ब्लैक गोल्ड, हनी गोल्ड एंड लेमन गोल्ड आर द वराइटीज ऑफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा जैक फ्रूट। जो ब्लैक गोल्ड है, हनी गोल्ड है और लेमन गोल्ड, ये सब जैक फ्रूट की वराइटीज हैं। नेक्स्ट है, पॉलिनेशन इन जैक फ्रूट इज डन थ्रू, तो जैक फ्रूट में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विंड पॉलिनेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रोज सेंटेड वैरायटी ऑफ जैक फ्रूट, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाबी। गुलाबी जो है रोज सेंटेड वैरायटी है जैक फ्रूट का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रामबुतान बिलोंग्स टू द फैमिली, रामबुतान की जो फैमिली होती है वो सैपिनडेसी होती है। नेक्स्ट है, रामबुतान इज इंडिजिनस टू, इसका राइट आंसर हो जाएगा मलाया आर्चिपेलागो रीजन। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया द एरोमा प्रोड्यूसिंग कंपाउंड इन कैरम्बोला इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेथिल एंथ्रानिलेट। कौन सा, मेथिल एंथ्रानिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर एसिड प्रेजेंट इन कैरम्बोला इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड। कैरम्बोला में ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 103, इसमें पूछा गया है ककम्बर ट्री यानी एवरोइया फिलिम्बी इज ए मेंबर ऑफ फैमिली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज ऑक्सेलिडेसी। एवरोइया फिलिम्बी जी एक ककम्बर ट्री इसको बोलते हैं, बहुत सारे लोग क्वेश्चन को गलत कराते हैं और कुकुरबिटेसी अगर ऑप्शन में होता है तो उसको क्लिक करते हैं, बट द राइट आंसर विल बी ऑक्सेलिडेसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सीवेट फ्रूट इज ऑल्सो नोन एज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्यूरियन। ड्यूरियन को सेवेट फ्रूट भी बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एडिबल पार्ट ऑफ ड्यूरियन इज, तो ड्यूरियन का जो एडिबल पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिल। नेक्स्ट है, हॉक मॉथ इज ए सीरियस पेस्ट ऑफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्यूरियन। जो हॉक मॉथ होता है वो ड्यूरियन का सीरियस पेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रीडोमिनेंट फ्लेवर कंपाउंड इन ड्यूरियन फ्रूट पल्प इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। जो प्रीडोमिनेंट फ्लेवर कंपाउंड है ड्यूरियन फ्रूट में उसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट है, गोल्डन पिलो इज ए वराइटी ऑफ, गोल्डन पिलो जो है किसकी वराइटी है, तो ड्यूरियन की वराइटी है गोल्डन पिलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनएप्पल गुआवा बिलोंग्स टू द फैमिली, जो पाइनएप्पल गुआवा है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिरटेसी। नेक्स्ट है, पाइनएप्पल गुआवा इज ए नेटिव ऑफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। पाइनएप्पल गुआवा कहाँ का नेटिव है, ब्राज़ील का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंगोस्टीन गार्सिनिया मैंगोस्टेना बिलोंग्स टू द फैमिली, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोसिलेसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैंगोस्टीन इज नेटिव टू, मैंगोस्टीन कहाँ का नेटिव है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मलाया आर्चिपेलागो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बारबाडोस चेरी। इसके बाद आता है आंवला, फिर इसके बाद आता है गुआवा। ठीक है, नेक्स्ट है, एडिबल पार्ट ऑफ एलिफेंट एप्पल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लेसी कैलिक्स। जो एलिफेंट एप्पल होता है इसका एडिबल पार्ट होता है फ्लेसी कैलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंट एप्पल इज ए मेंबर ऑफ फैमिली, इसका राइट आंसर हो जाएगा डिलिनिएसी। जो एलिफेंट एप्पल होता है उसकी फैमिली का नाम डिलिनिएसी होता है। नेक्स्ट है, कोकोनट फ्रूट इज, कोकोनट फ्रूट जो होता है वो कैसा है, तो सिंगल सीडेड ड्रूप होता है कोकोनट फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 117, इसमें पूछा गया है टाल पाम आर, यानी जो लंबे पाम होते हैं वो कैसे होते हैं,
इसका राइट आंसर हो जाएगा एलोगैमस। एलोगैमस का मतलब होता है क्रॉस पॉलिनेटेड, ठीक है। कैसे होते हैं? क्रॉस पॉलिनेटेड होते हैं। नेक्स्ट है कोकोनट रूट विल्ट इज कास्ट बाय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स। कोकोनट रूट विल्ट इज ट्रांसमिटेड बाय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेस बग। किसके द्वारा? लेस बग के द्वारा ये ट्रांसमिट होते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैसिडिटी ऑफ लीफलेट्स इन कोकोनट इज टिपिकल सिम्टम ऑफ, तो जो फ्लैसिडिटी ऑफ लीफलेट्स कोकोनट का एक टिपिकल सिम्टम है ये किसके कारण होता है? तो ये रूट विल्ट के कारण होता है, सॉरी सॉरी कारण नहीं, ये रूट विल्ट का सिम्टम्स होता है फ्लैसिडिटी ऑफ लीफलेट्स। नेक्स्ट है काडंग काडंग डिजीज ऑफ कोकोनट इज कास्ट बाय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायराइड्स। वायराइड्स के कारण कड़ंग कड़ंग डिजीज होता है कोकोनट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कोकोनट इज मैच्योर इन अबाउट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 मंथ। द सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ कैश्यू नट इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा 42। द मॉस्किटो बग इज ए सीरियस पेस्ट ऑफ, तो मॉस्किटो बग जो है यह सीरियस पेस्ट है कैश्यू नट का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा है कैश्यू नट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। कैश्यू नट किसका रिच सोर्स है? प्रोटीन का। नेक्स्ट है बबैको इज ए वैरायटी ऑफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पपाया। पपाया की वैरायटी कौन सी है? बबैको। एवोकाडो इज ए, तो एवोकाडो एक क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नोन हर्ब इन प्लांट किंगडम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यूसा इंजेंस। कौन सा? म्यूसा इंजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रूट क्रॉप विच कैन बी ग्रोन इन ए वाइड रेंज ऑफ सॉइल पीएच इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुआवा। गुआवा को हम वाइड रेंज पीएच सॉइल पीएच पे भी कल्टीवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चेरी मोया इन द वर्ल्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। स्पेन जो है चेरी मोया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है येलो स्पॉट ए वायरल डिजीज ऑफ पाइनएप्पल इज ट्रांसमिटेड बाय, इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्रिप्स। थ्रिप्स जो होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं येलो स्पॉट, जो कि एक पाइनएप्पल का वायरल डिजीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेज ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इमर्जेंस इन पाइनएप्पल इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज रेड हर्ट। नेक्स्ट है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो इन द वर्ल्ड इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। जो मैंगो है इसकी कल्टीवेशन और चाहे वो एरिया हो चाहे प्रोडक्शन के बारे में हो, तो मैंगो में सबसे ज़्यादा किस में होता है? इंडिया में। नेक्स्ट है इन इंडिया मैंगो ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ अबाउट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.5 मिलियन हेक्टेयर। नेक्स्ट है मल्टीपल क्राउन और फैसिनेशन इज ए डिसऑर्डर ऑफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइनएप्पल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है क्राउन चोकिंग ऑफ कोकोनट अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरॉन। बोरॉन डेफिशिएंसी के कारण क्राउन चोकिंग होता है कोकोनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 137, पूछा गया लिटिल लीफ ऑफ कैश्यू नट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक के कारण। एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा मीजोकार्प। नेक्स्ट है मैंगो वैरायटी हैविंग हाईएस्ट कैरोटीनाइड कंटेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा आम्रपाली। नेक्स्ट है पाइनएप्पल वैरायटी सुटेबल फॉर कैनिंग इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यू। जो क्यू पाइनएप्पल की वैरायटी है वो कैनिंग के लिए सुटेबल वैरायटी है। नेक्स्ट है सी आई एस एच इज लोकेटेड एट, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर ये लखनऊ में इस्टेब्लिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142, इसमें पूछा गया है बनाना इज कमर्शियली प्रोपेगेटेड बाय,
तो राइट आंसर हो जाएगा स्वॉर्ड सकर्स। 13-1 इज ए साल्ट टोलरेंट रूट स्टॉक ऑफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैंगो। मैंगो का सॉल्ट टोलरेंट रूट स्टॉक कौन सा है? 13-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकॉक गोल्डन एप्पल इज ए वैरायटी ऑफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज गुआवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ डाइकोगैमी ऑब्जर्व इन सपोता इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोगाइनी। सपोता में प्रोटोगाइनी टाइप ऑफ डाइकोगैमी पाई जाती है। नेक्स्ट है, हॉटस गोल्ड इज ए वैरायटी ऑफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा पपाया, जिसको हथरस गोल्ड भी बोलते हैं, तो ये पपाया की वैरायटी है। नेक्स्ट है, एनाकार्डियेसी इज आल्सो नोन एज, एनाकार्डियेसी को और क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉइजन आईवी फैमिली, एनाकार्डियेसी को पॉइजन आईवी फैमिली भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया है लगभग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पपाया वराइटी इज मोस्ट सुटेबल फॉर एक्सपोर्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ताइवान 786। नेक्स्ट है, ड्वार्फ वराइटी ऑफ गुआवा इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्का मृदुला। नेक्स्ट है, रेड कलर ऑफ गुआवा इज ड्यू टू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइकोपिन। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच।